मनिया सुरवे ले ले ये माइक, बहुत ज्यादा क्यूट है यार। मैं तो तेरे को ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा क्यूट नहीं होगी। हेलो गाइस, तो देखो अब जो बाइक है मेरे पास वो रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक तो नहीं बोला जाएगा, सबसे अफोर्डेबल बाइक बोल सकते हैं इस बाइक को। कि जो भी बंदा रॉयल एनफील्ड से जुड़ना चाहता है या फिर रॉयल एनफील्ड के ग्रुप से जुड़ना चाहता है, जो रॉयल एनफील्ड की फील लेना चाहता है कि एक्चुअली में बाइक असलियत में मजबूत है कि नहीं है और उसका बजट कम है, तो वो इस बाइक पे जा सकता है। ये बाइक जो है वो है हंटर 350 और ये मेरे ख्याल से ब्लैक एंड ग्रे कलर है। मैं नाम तो नहीं पता इस कलर का, पर मतलब जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा स्कैम का स्पीडोमीटर था वैसा ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ट्रिप ए को पहले जीरो कर लेते हैं, चलते हुए नहीं होगा शायद। चलो एक जगह रुक के बात करता हूँ आराम से। हे गाइस, आज है 18 तारीख और टाइम हो रहा है 15:15 और अभी तक शायद मैंने दिखा दिया हो थोड़ा बहुत पार्ट। तो आज मेरे पास जो बाइक है वो है हंटर, और भाई ये बाइक इतनी क्यूट है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसे तेज भी नहीं भगाया। मैं 80 मैक्स टू मैक्स 80 से ऊपर ले जाने वाली बाइक ही नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा क्यूट बाइक है भाई, बहुत ज्यादा क्यूट। मैंने मोटो व्लॉग में थोड़ा बहुत पार्ट दिखाया, तो पहले इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तुम देखो यार, तुम देखो मेरा हेलमेट और मेरा बैग वहीं रखा है। दूर से छोटी लग रही है ना ये, एक्चुअली में पास से और भी ज्यादा छोटी है। आई विश कि तुम लोगों को समझ आयो कितनी छोटी है वो। अभी तो मैं पूरी बाइक दिखाता हूँ ढंग से, उसके बाद अगर देखो मैंने मोटो व्लॉग में भी बोला वैसे, पर मैं अभी भी बोल देता हूँ, अगर रॉयल एनफील्ड में जाने का मन है तुम्हारा तो भाई बाइक ले सकते हो तुम, बहुत ज्यादा प्यारी बाइक है। मैं अभी लगभग इसे 10-12 किलोमीटर चला चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक आने में, अभी मेरे को वापसी भी जाना है। तो अभी तक जितनी भी मैं कहूँ बहुत ही प्यारी बाइक है, ठीक है। तो अभी पास से दिखाते हैं ज़रा। हाँ जी भाई, तुमने देखो बाइक है ये छोटी सी, ठीक है, बिल्कुल क्यूट सी बाइक है। कस्टम इसमें सीट लगी है, ये रॉयल एनफील्ड वालों ने अभी लगा रखी है। ऐसी सीट आती नहीं है इसके साथ, पहले बता रहा हूँ मैं, कहीं तुम बाद में बोलो। और तुमने इसकी चाबी कैसी इमेजिन करी होगी, कैसी होगी इसकी चाबी? चाबी देखो एक बार, हो गया। ये देखो चाबी, कितनी प्रीमियम चाबी है भाई, मतलब इस बाइक की इतनी प्रीमियम चाबी मैं मान नहीं सकता। तो कुछ नहीं, बहुत क्यूट है वैसे बाइक। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है इसका कंसोल, ये इसका कंसोल। अभी ट्रिप ए पे है तो 2.2 किलोमीटर चली है, ये इसका स्पीडोमीटर है, ये इसका फ्यूल मीटर है, और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे गियर दिखाता है, और ये इसका ट्रिप ए, ये ट्रिप बी, और ये ट्रिप पूरी की पूरी जितनी भी आज तक चली है बाइक, ठीक है। कुछ ऐसी बाइक है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फ्यूल टैंक जो है इसका 13 लीटर का है, और मेरे को सबसे ज्यादा गलत चीज इसकी जो लगी है वो मतलब इसके साइज के हिसाब से इसकी हाइट बहुत ही कम है। मतलब मैंने इतनी इमेजिन करी नहीं थी कि इतनी हाइट होगी इसकी, इसकी हाइट बहुत छोटी है। इस चक्कर में ना रॉयल एनफील्ड वालों ने खुद की प्लेट दे रखी है, अगर तुम्हें दिख रही होगी तो, ये इनकी खुद की प्लेट है इधर, और इसके देख रहे हो तुम। मतलब रॉयल एनफील्ड वालों की कुछ भी कहो, एक चीज तो अच्छी है कि वो अपनी चाहे उनकी छोटी बाइक हो चाहे बड़ी बाइक हो, वो पूरा ख्याल रखते हैं अपने राइडर्स का। जैसे इसमें कस्टम सीट दे रखे, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये, बिल्कुल फॉर्म से बनी है, तुम कुशन देख सकते हो। अगर तुम लॉन्ग भी जाते हो तो कोई इशू नहीं आने वाला। और सबसे अच्छा चीज पता क्या इसमें भाई, हाइट का। मतलब लोगों में ऐसा होता था क्योंकि पहले रॉयल एनफील्ड जब जाते थे लोग लेने तो उनका होता था कि भाई हमारी हाइट में दिक्कत आएगा, हमारा ये होगा, हमें वो होगा, पर भाई ये जो निकाली है इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट, मैंने अपने मोटो व्लॉग में बोला है कि ये स्कूटी की पेप्ट है। अगर तुमने टीवीएस की पेप्ट देखी होगी तो स्कूटी में सबसे छोटी हुए, बाइकों में सबसे छोटी है भाई, रॉयल एनफील्ड से सबसे छोटी, समझ रहे हो। कितनी ज्यादा क्यूट होगी भाई, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा वैसे, तो फिलहाल इतना ही है। अभी मोटो व्लॉग करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोटो व्लॉग अपना, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ये बाइक, और क्रॉस कटिंग बहुत ज्यादा करी गई है बाइक में, जिस हिसाब से अमाउंट है इसका काफी ज्यादा। जैसे इसमें किक नहीं है, इसका एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, काफी ज्यादा क्रॉस कटिंग करी गई है। व्हील्स छोटे, टायर छोटे, डिस्क ब्रेक जो साइज आता है वही है एक्चुअली में, एबीएस दोनों में, 12 चैनल ABS है, BS6 मॉडल है। कलर स्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मेरे को इसकी, और जब ऑन करते हैं तो इशू ये आता है कि यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब है, यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब है, पर इंडिकेटर में LED दे रखी है। ये जो है ना ये LED बल्ब है इंडिकेटर में। अगर मैं हैजार्ड ऑन करके दिखाऊं तुम्हें तो ये जो है ये इंडिकेटर जो है ये है LED, ठीक है। इनका ये भी एक इशू है, इसमें जो आता है वो LED आते हैं। क्रॉस कटिंग बहुत ज्यादा करी गई है बाइक में, पर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक है, और छोटी है, क्यूट है, अफोर्डेबल है, पैदा तो दूसरा छोटे लोग चला सकते हैं यार, इससे ज्यादा बेहतर बाइक किसको चाहिए। एलॉय ट्यूबलेस टायर्स है इसमें, मेरी क्लासिक में भी नहीं है ट्यूबलेस टायर, ठीक है, जब मैंने ली थी उसमें आई एक्चुअली में तब तो आते नहीं थे, पर अब जब आ रहे हैं तो इसमें एलॉय दे रखे, प्लस ट्यूबलेस टायर है, पंचर होने का कोई इशू नहीं। C8 के टायर है 140/70/17, और आगे में दे रखा है टायर साइज 110/70/17, सेम टायर साइज है, कोई ज्यादा मतलब टायर में पैसे नहीं काटे गए हैं, टायर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जो इसकी फिनिशिंग बताऊं मैं, आज मैं ट्राई कर रहा हूं प्रॉपर ज्ञान देने का, तो इसकी फिनिशिंग बताऊं मैं तो थोड़ा और क्लियर हो सकती थी यहां से, यहां पे फील होता है कि वेल्डिंग जो है वो दिख रही है।
फिलहाल तो अच्छी है, अपना स्टार्ट करते हैं मोटो ब्लॉग। जितना मैं जानता था उतना मैं बता चुका, तो अब चलते आगे करते हैं मोटो ब्लॉग। तो ऑन करते ही काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर दिखता है तुम लोगों को, हैंडल बार एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो क्रॉस कटिंग करी गई है, पर कई चीज़ों में करी गई है पर कई चीज़ों में नहीं करी गई है, जैसे इसके क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है वो नॉर्मली होते हैं, जैसे बाकी बाइकों में, क्लासिक में हो गए, मिटियोर में हो गए, थंडरबर्ड में हो गए, वही चीज़ है। और इनका जो ये किल स्विच वगैरह, ये मिटियोर वाले दे रखे हैं, जो आए एक्चुअल में मिटियोर में थे। तो इसकी ट्रिप जो है, ट्रिप भी इसे जीरो करते हैं, तो ट्रिप भी है जो वो जीरो हो गई है, तो इसको करते हैं न्यूट्रल और करते हैं स्टार्ट। तो मैं तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ। भाई आवाज़ कितनी ज़्यादा स्मूथ, क्योंकि ये पावर ज़्यादा छोड़ रही है और एग्जॉस्ट छोटा है इसमें, तो तुम्हें एग्जॉस्ट चेंज कराने की वजह से सच बताऊँ तो ज़रूरत है नहीं इतनी कि तुम्हें एग्जॉस्ट चेंज कराना पड़े। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर, बस यहाँ पे शूट करने आया था मैं एक छोटा सा पार्ट कि मैं शूट कर पाऊँ अच्छे से। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा भाई, देखो जितने भी पाँच छः पाँच सात पाँच आठ ये वाले बंदे जो है वो आँख बंद करके ले लो भाई, ये बाइक बहुत ज़्यादा क्यूट है यार ये। मैं भाई मेरा तो मन जा रहा है इसी पे कर लूँ मैं, मतलब रॉयल इनफील्ड वालों को बोलता हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर करो, मैं राइड पे जाता हूँ और इसी बाइक पे राइड पे निकल जाता हूँ, क्योंकि मज़ा आने वाला है। कितनी क्यूट है यार, कितनी ज़्यादा क्यूट है। एक्चुअली मैं मेरे जैसों के लिए बनी नहीं है ये, मेरी हाइट जो है वो 6'3" है, तो सच बताऊँ तो मेरे जैसों के लिए बनी नहीं है ये बाइक, ठीक है। ओ सूरज लग रहा है, मेरी हाइट जो है वो 6'3" है, मेरे जैसों के लिए तो बनी नहीं है ये, साफ बताऊं तो ये बनी है 5'5", 5'4", 5'6", 5'7", 5'8" और लड़कियों के लिए, सब बता हूँ, जितनी भी लड़कियां राइडर हैं भाई, जितनी भी लड़कियां हैं भाई राइडर कम्युनिटी से ले लो भाई। और मेरी एक दोस्त भी है जो राइड वगैरह करना पसंद है उसे, हाँ मनिया सुरवे ले ले ये बाइक, बहुत ज़्यादा क्यूट है यार। मैं तो तेरे को ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा क्यूट नहीं होगी। मैं सच बताऊँ तो वैसे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी ये बाइक मेरे हिसाब से, और जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए भी। आवाज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार इस बाइक की, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो बटन है, ये तुम्हारा ट्रिप भी और ये नॉर्मल जो आज तक चली है बाइक, ये ट्रिप है, ये तुम्हारा हाई बीम, लो बीम, पास, ये तुम्हारा इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न का हो गया, यहाँ पे किल स्विच है। और इसमें किल स्विच काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, ये 360 नई वाली क्लासिक में भी है। और यहाँ से सेल मारो स्टार्ट, ये हज़ार लाइट, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पहले सेल होता था और इस वाली में कुछ नहीं है। ये बाइकों में पैप्ड है। बहुत ज़्यादा क्यूट है यार ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसको, मतलब इसको बढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा यार, मतलब ऐसा लग रहा है यार इसकी सॉफ्ट सी चीज़ है और मैं इसको क्यों बगाऊँ। सिटी राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मतलब क्यूट सी है, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं, आराम से चलाते रहो अपना, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। मतलब कौन ही बंदा इसको तेज चलाना चाहेगा, मेरा अभी तक मन नहीं हुआ यार इसे, मैं 60 से ऊपर नहीं लेके गया अभी तक ये बाइक। हाँ जी भाई, तो अभी हंटर की टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ और फाइनल हो गया भाई कौन सी बाइक लेनी है। अब जा रहा हूँ बुक कराने,